नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कंटिन्यू. सो इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स. तो यहां पर हम ले लेते हैं लेट एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स. सो देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉट एक्स इज कॉस बाई साइन. सो कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स. इसको करो क्रॉस. सो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू साइन एक्स. ठीक है, अब हम फॉर्म चेक करेंगे. सो यहाँ पर आप फॉर्म मुझे बता दो कौन सा है. तो यहाँ पर एक्स टेंस टू जीरो, तो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर भी जीरो, तो ऊपर आएगा जीरो. डिवाइडेड बाय जीरो मल्टीप्लीकेशन में तो अगेन जीरो. ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बाय एल हॉस्पिटल रूल. सो एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स एज इट इज कॉस एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव आएगा वन माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस कॉस एक्स. अगेन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स का डेरिवेटिव वन. जो लिखूंगा नहीं मैं, ये कॉस एक्स और ये हो गया कैंसल. सो रिमेनिंग हमें मिलेगा एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स. अगेन हम करेंगे फॉर्म चेक. सो फॉर्म चेक करने के बाद यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू जीरो अगर हम पुट करें तो हमें वैल्यूज ऊपर की वैल्यू जीरो मिलने वाली है और नीचे की भी वैल्यूज हमें जीरो ही मिलेगी. ठीक है, तो अगेन हम यहाँ पर लगाएंगे बाय एल हॉस्पिटल रूल. डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. सो एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस यहाँ पर डेरिवेटिव बता दो. सो एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स और साइन एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन, जो लिखने की जरूरत नहीं है. और यहाँ पर एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स, फिर यहाँ पर कॉस एक्स एज इट इज. ठीक है, और अगेन प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव आएगा कॉस एक्स. तो अब अगेन हम फॉर्म चेक करेंगे. सो फॉर्म चेक करने के बाद यहाँ पर तो ऊपर तो जीरो मिल जाएगा हमें, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पर जीरो, यहाँ पर अगर मैं एक्स की जगह जीरो पुट करूँ तो ये जीरो कॉस जीरो वन, कॉस जीरो वन यानी वन प्लस वन टू, यानी ये फॉर्म जो है ये जीरो बाई टू का फॉर्म है, जो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है. क्योंकि जीरो बाई टू का आंसर हम जीरो बोल सकते हैं, मतलब होता है. तो यहाँ पर हम डायरेक्टली वैल्यूज अगर पुट करें तो यहाँ पर हमें जो वैल्यूज मिलने वाली हैं माइनस जीरो प्लस जीरो डिवाइडेड बाय माइनस जीरो प्लस कॉस जीरो इज वन, कॉस जीरो इज वन. सो देयरफॉर आंसर विल बी माइनस जीरो बाई टू, दैट इज इक्वल टू जीरो. तो ये रहेगा लिमिट ऑफ कॉट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स व्हेन एक्स टेंस टू जीरो. नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू टैन फाइव एक्स बाय टैन एक्स. ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने से पहले थोड़ा इसको हम चेंज करेंगे. तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू टैन फाइव एक्स डिवाइड बाय टैन एक्स. तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, टैन इज वन बाई कॉट, तो वन बाई कॉट फाइव एक्स डिवाइड बाई वन बाई कॉट एक्स. ठीक है, उसके बाद ये होगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, इसे हम लिखेंगे कॉट एक्स डिवाइड बाय कॉट फाइव एक्स, क्योंकि ऊपर चले जाएगा. फिर यहाँ पर हम चेक करेंगे फॉर्म. अब फॉर्म चेक करने के बाद ये कॉट पाई बाई टू यहाँ पर लिखता हूँ मैं, कॉट पाई बाई टू जीरो होता है और कॉट फाइव बाई टू भी कितना होता है जीरो. तो ये जो फॉर्म है ये आ गया जीरो बाई जीरो. सो अब हम निकालेंगे इसका डेरिवेटिव. सो हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा बाय एल हॉस्पिटल रूल. सो एल इज इक्वल टू, ठीक है, सो कॉट एक्स का डेरिवेटिव आप मुझे बता सकते हो क्या होगा, माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स. सो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉट अगेन माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू सॉरी कोस एक्स स्क्वायर फाइव एक्स इंटू फाइव एक्स का डेरिवेटिव आएगा फाइव. माइनस माइनस प्लस वन बाई फाइव ले लेते हैं बाहर, तो क्या मिलेगा, तो हमें मिलने वाला है L इज इक्वल टू
1 by 5 limit x tends to pi by 2 cosec x divided by cosec 5x, और इसका हम लिखेंगे होल स्क्वायर क्योंकि वहां पर स्क्वायर है। अगेन यहां पर cosec पाई बाई टू की वैल्यूज 1 होती है और cosec 5 पाई बाई टू की वैल्यूज भी होती है 1। तो यहां पर हम करेंगे चेंजेस। तो जैसे हम अगर यहां पर चेंजेस करें तो क्या मिलेगा, सो l इज इक्वल टू 1 बाई 5, यहां पर इसकी वैल्यूज 1, इसकी वैल्यूज 1, इसका होगा स्क्वायर, तो आंसर हमें मिलने वाला है 1 बाय 5 विच इज रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज लिमिट ऑफ tan 5x बाय tan x व्हेन x टेंड्स टू 0, दैट इज इक्वल टू 1 बाय 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 1 1 अपॉन log x माइनस x अपॉन x माइनस 1। तो सबसे पहले यहां पर अगेन लेट कैपिटल L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 1 अपॉन log x माइनस x अपॉन x माइनस 1, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहां पर हमें मिलेगा x माइनस 1 माइनस x log x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इनटू log x। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो अब फॉर्म चेक कर लेंगे हम। तो यहां पर मैं लिखता हूं फॉर्म, फॉर्म कौन सा आता है देखो, अगर मैं x की जगह पर 1 पुट करूं तो 1 माइनस 1 0, और log 1 की वैल्यूज भी होती है, यहां पर मेंशन करता हूं log 1 की वैल्यूज भी होती है 0, तो ऊपर हमें 0 मिलेगा डिवाइडेड बाय ये 1 माइनस 1 0 log 1 0, तो नीचे भी मिलेगा 0। अब हम लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल, सो यहां पर लगेगा एल बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, सो देयरफॉर एल इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, x का डेरिवेटिव आएगा 1, 1 का डेरिवेटिव आएगा 0, माइनस यहां पर लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव 1 log x का डेरिवेटिव 1 बाय x डिवाइडेड बाय अगेन x माइनस 1 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाय x, एंड log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 इज 1, लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर x x कैंसिल होगा और ये 1 और यहां का माइनस 1 कैंसिल होगा, यानी हमें माइनस log x ऊपर मिलने वाला है। तो यहां पर मैं लिखता हूं लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस log x डिवाइडेड बाय, यहां पर क्रॉस हम कर सकते हैं, तो ये होगा x माइनस 1 प्लस ये x यहां पर जाएगा, सो x log x, और जो डिवाइडेड बाय x आएगा इसके होल डिवाइडेड बाय x, वो हम ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, समझ रहे हो। सो ये होगा माइनस x log x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस x log x। अगेन फॉर्म चेक करो, फॉर्म चेक करने के बाद हमें मिलेगा ऊपर 0 और नीचे भी मिलेगा 0, क्योंकि x टेंड्स टू 1 है, तो यहां पर log 1 की वैल्यू 0, यहां पर 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो 0 ही मिलेगा फॉर्म। तो यूज करो एल हॉस्पिटल रूल अगेन, सो यहां पर हम यूज करेंगे बाय एल हॉस्पिटल रूल, सो एल इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस इन ब्रैकेट फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ठीक है, सेकंड एज इट इज log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का डेरिवेटिव आएगा 1 प्लस अगेन फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। देखो क्या मिलता है हमें, यहां पर l इज इक्वल टू, ये माइनस साइन बाहर लिख लेते हैं, दिक्कत दे रही है हमें, यहां पर x x कैंसिल, सो 1 प्लस log x डिवाइडेड बाय ये x x कैंसिल 1 प्लस 1 2, सो 2 प्लस log x। अब यहां पर अगर मैं x टेंड्स टू 1 लिखूं तो यहां पर होगा log 1 0, तो ये 0 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, यानी हमें l इज इक्वल टू मिलेगा माइनस 1 प्लस 0 2 प्लस 0, तो यहां पर हमें मिलेगा माइनस 1 बाई 2 विच इज रिक्वायर्ड आंसर, समझ रहे हो। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने यहां पर खत्म किया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ tan 2x टू द बेस tan x इज इक्वल टू 1, ये हमें शो करना है, तो यहां पर हम ले लेते हैं लेट l इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ tan 2x टू द बेस tan x। तो ये यहां पर कुछ नोट है, अगर आपको दिया है log
ए टू द बेस ई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग ए बाई लॉग ई, यही पर हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं इसको लिखूँगा लिमिट एक्सटेंस टू ज़ीरो लॉग ऑफ टेन टू एक्स डिवाइड बाई लॉग ऑफ टेन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट करें, दोनों भी जगह लॉग है, अगर हम यहाँ पर फॉर्म चेक करें, चलो ठीक है पहले फॉर्म चेक कर लेते हैं। सो फॉर्म अगर चेक करें तो यहाँ पर होगा जीरो, टेन जीरो जीरो होता है और लॉग जीरो होता है इन्फिनिटी। यहाँ पर टेन जीरो जीरो लॉग जीरो होगा इन्फिनिटी, तो ये जो फॉर्म है ये है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, अगेन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, तो रूल लगाएंगे हम। सो यहाँ पर हम लगाते हैं बाय एल हॉस्पिटल रूल। सो एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग का डेरिवेटिव आएगा वन अपॉन एक्स, सो वन अपॉन टेन टू एक्स, टेन टू एक्स का डेरिवेटिव आएगा सेक स्क्वायर टू एक्स, टू एक्स का डेरिवेटिव आएगा टू डिवाइडेड बाय, अगेन लॉग का डेरिवेटिव आएगा वन अपॉन टेन, सो वन अपॉन टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव आएगा सेक स्क्वायर एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव आएगा वन, जो हम लिखने वाले हैं नहीं, तो इसे हम कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर देखो एल इज इक्वल टू, ये टू ले लेता हूँ बाहर में, यहाँ पर लिखूंगा लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो सेक स्क्वायर टू एक्स डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर एक्स, ये वन साइड, यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, ठीक है, ये टेन एक्स को हम ऊपर ले लेंगे, सो यहाँ पर लिखता हूँ टेन एक्स डिवाइडेड बाय, ये होगा टेन टू एक्स, ये हो गया नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर अगर हम x टेंस टू ज़ीरो रख ले यहाँ पर, तो ये sec 0 और ये sec 0, sec 0 की वैल्यू होती है 1, समझ रहे हो, sec 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये 1 बाई 1 आएगा, तो ये तो हो जाएगा ख़त्म, यानी यहाँ पर l इज इक्वल टू 2, 1 बाई 1 इसका स्क्वायर, फिर यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0, ये होगा tan x बाय tan 2x, यहाँ पर हम अगेन करेंगे फॉर्म चेक, तो ये होगा 0 बाई 0 फॉर्म, tan 0 इज 0, सो l इज इक्वल टू 2 टाइम्स, चलो डेरिवेटिव निकालते हैं, यहाँ पर होगा लिमिट x टेंस टू 0, tan x का डेरिवेटिव आएगा sec स्क्वायर x, और ये होगा 2 sec स्क्वायर 2x, ये 2 2 हो जाएगा कैंसल, सो यहाँ पर हमें मिलने वाला है 1, और यहाँ पर होगा लिमिट x टेंस टू 0 sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर 2x, तो ये होगा 1 बाई 1 का स्क्वायर, सो आंसर हमें मिलेगा 1, दैट इज़ फाइनल आंसर जो हमें शो करना था यहाँ पर।